और छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बिना की, जहां पर घर से डॉक्टर दंपत्ति के शव मिले हैं, पति का शव फंदे पर लटका मिला है, पत्नी का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। डॉक्टर बलवीर कैथोरिया कुरवाई में तैनात थे, डॉक्टर मंजू बीना सिविल अस्पताल में तैनात थी। मौत का कारण फिलहाल अज्ञात है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। डॉक्टर की लाश पाई गई है, आत्महत्या की आशंका, फिलहाल जांच पड़ताल हो रही है। दोनों ही पति पत्नी डॉक्टर थे, हालांकि किन्हीं कारणों से मौत को गले इनके द्वारा लगाया गया ये अभी पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी से। पंकज, क्या है पूरा मामला बताइए। जी बिल्कुल, बताना चाहूँ कि दोनों डॉक्टर दंपत्ति के जो शव है वो उनके घर में पड़े मिले हैं। चूंकि उनके घर में दोनों ही रहते थे, बेटा बाहर पढ़ता था, जब वो आया तो उसने घर में जाकर देखा तो जो डॉक्टर है उनका शव जो है फंदे पर लटका हुआ पाया गया, और उनकी जो पत्नी थी मंजू कैथोरिया उनका शव जो है बिस्तर पर पड़ा मिला है। तो उसने तत्काल जो है इसकी सूचना पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल पूरे प्रोमाइसिस को जो है पुलिस ने सील कर दिया है। कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किन कारणों के चलते ये हत्या है, आत्महत्या है, क्या है आखिर पूरा मामला। तो अभी इसमें थोड़ा सा जो है पुलिस के प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जी ठीक, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। बिलासपुर की बात करते हैं, जहां पर प्रताड़ना से बुजुर्ग की मौत हो गई। टोनही बताकर बुजुर्ग को प्रताड़ित किया गया था, इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। महिला को जली हालत में भर्ती कराया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के भदौरा की ये पूरी घटना थी, जहां पर टोना टोटके के शक के चक्कर में महिला को खूब पीटा गया था, जलाया गया था, दागा गया था, और उसके बाद गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसके बाद आज महिला ने दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पूरे ही मामले में अभी जांच पड़ताल और चल रही है। ये बताते हैं बड़ा अपडेट कि इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया, बड़ी ही गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था, जली हुई हालत में भर्ती कराया गया था, खूब प्रताड़ित बुजुर्ग महिला को किया गया था। टोने टोटके के शक में ये सब हुआ और अब महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, टोने टोटके के चक्कर में महिला को दागा गया, प्रताड़ित किया गया, आखिरकार महिला ने दम तोड़ दिया। बिल्कुल, देखिए ये 12 जनवरी की घटना थी, मस्तूरी थाना क्षेत्र के भदौरा की ये घटना है, जब केजऊ राठौर जो है उसका पूरा परिवार जो है बीमार रहता था। ऐसा आरोप लगाया कि जो भूरी बाई है वो टोना टोटका करती है, लिहाजा 12 जनवरी की बीती रात उसने उस महिला को बाहर बुलाया और उसके शरीर पर अलग अलग अंगों में लोहे से उसको दाग दिया। क्योंकि इसमें 2 और बैगा भी थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और टोनही प्रताड़ना समेत 307 के तहत मामला दर्ज किया था। क्योंकि आज महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है, इस पूरे मामले में पुलिस अब अलग से कुछ धाराएं जोड़ेगी जिसमें ये पूरा मामला जो हत्या का है, हत्या का आरोप दर्ज होगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना निकल कर सामने आई है। आज भी टोने टोटके को लेकर गांव में एक अंधविश्वास जो फैला हुआ है वो कहीं ना कहीं एक हत्या की वजह निकल कर सामने आई है। देखना ये होगा कि इस तरीके की घटना को रोकने के लिए जिला प्रशासन और सरकार जो अभियान चलाती है उसका कितना असर पड़ता है और इस तरीके की जो अपराध है इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात है। जी ठीक, फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए जिक्र अब राजनांदगांव का करते हैं, जहां पर पीट पीट कर युवक की हत्या की गई है। डंडे से उसे पीटा गया, खूब पीटा गया, चाकू से वार किए गए और उसकी हत्या कर दी। पुरानी रंजिश में मंडई मेले में चाकूबाजी हुई। पुलिस ने 5 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया है। एक नाबालिग समेत 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बसंतपुर थाना क्षेत्र के भर्रे गांव का ये मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। बसंतपुर थाना क्षेत्र के भर्रे गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर यह हत्या हुई है और पीट पीट कर हत्या कर दी गई युवक की। पूरे मामले में अब जांच पड़ताल चल रही है। एक
नाबालिग समेत 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इस पूरे मामले में बता दें युवक की पीट पीट कर हत्या की गई है। इसी बात को लेकर के विवाद के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। किस बात को लेकर विवाद हुआ इस पूरे ही मामले में अभी जांच पड़ताल चल रही है। धमतरी में अवैध धान पर बड़ा एक्शन लिया गया है। बेलर गांव और सेमरा में धान जब्त किया गया, अवैध धान जब्त किया गया। ट्रैक्टर और पिकअप से 308 बोरी धान जब्त हुआ है। खरीदी केंद्रों में बेचने के लिए ये धान लाया जा रहा था। खाद्य विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध धान पर बड़ा एक्शन, लगातार एक्शन में जो है नजर आ रहा है प्रशासन। अवैध धान के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं और इसी बीच अवैध धान पर बड़ा एक्शन लिया गया है। खाद्य विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बलरामपुर में अवैध धान जब्त हुआ है। 2 ट्रैक्टर अवैध धान जब्त हुआ है। उत्तर प्रदेश से लाकर धान खपाने की तैयारी में ये सभी थे। छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश की सीमा के बाजरा गांव में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 31 जनवरी तक धान खरीदी होनी है और इसी बीच सक्रियता जो है तस्करों की दिख रही है। अवैध धान जब्त किया गया है। अवैध धान पर यह बड़ा एक्शन, बलरामपुर में अवैध धान जब्त किया गया, बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। गांव जो है यूपी बॉर्डर से लगा हुआ, वहां से 2 ट्रैक्टर अवैध धान परिवहन किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर बसंतपुर थाने की टीम द्वारा दबिश दी गई और यूपी बॉर्डर पर 2 ट्रैक्टर धान जब्त किया गया है। तो वहीं सूरजपुर में भी अवैध धान खपाने वालों के खिलाफ प्रशासनिक अभियान लगातार जारी है। राजस्व अमले ने भैया थान के मोहल्ले में एक किराने की दुकान से 100 बोरी अवैध धान जब्त किया है और दुकान को सील भी कर दिया गया। जिले के 54 धान खरीदी केंद्रों में किसानों से धान खरीदी जारी है। ऐसे में जिले में 3,20,000 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य है। 31 जनवरी तक धान की खरीदी होगी और इसी बीच तस्कर दूसरे प्रदेश से धान लाकर खरीदी केंद्रों पर बेचने की फिराक में हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिले में अभी तक 4500 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है। सौ बोरी अवैध धान बरामद किया गया सूरजपुर का हम जिक्र कर रहे हैं। लगातार प्रशासनिक अमला जो है इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है अवैध धान पर, कहीं ना कहीं रोक लगाने के लिए प्रयास पूरी तरह से जारी है और ये बड़ी कार्रवाई एक बार फिर देखने को मिली है। धान खपाने की अभी तक कुल 4500 क्विंटल का प्रकरण बना है। 50 लाख से अधिक के धान की जब्ती की गई है, जिसमें 30 से ज्यादा प्रकरण बने हैं और 4500 क्विंटल धान जब्त किया गया है। और लगातार ये कोचियों के विरुद्ध और जो यहाँ पर इसमें बीच में जो दलाल सक्रिय है उनके विरुद्ध हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है, अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फरार 4 में से 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। एमपी के बुड़ार से गिरफ्तारी हुई है। इनकी कट्टे की नोक पर महाजन कुशवाहा का अपहरण इनके द्वारा किया गया था। घटना में इस्तेमाल गाड़ी भी जब्त की गई है। सिंगरौली में 2 फरवरी 2023 को यह घटना घटित हुई थी। इस पूरे मामले में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और अब इनसे पूछताछ जारी है। एमपी के बुड़ार से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। कट्टे की नोक पर इनके द्वारा अपहरण किया गया था। घटना में इस्तेमाल गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। सिंगरौली में 2 फरवरी 2023 को ये घटना घटित हुई थी और इसी मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। गरियाबंद से बड़ी खबर है, दुर्लभ पैंगोलिन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। उदंती सीता नदी एंटी पोचिंग टीम की कार्रवाई है। उदंती एंटी पोचिंग टीम और ओडिशा वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। पैंगोलिन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, दुर्लभ पैंगोलिन के साथ ये गिरफ्तारी हुई है तस्करों की। उदंती के पास गरियाबंद में ये 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं।
जांजगीर चांपा फर्जी ऋण पुस्तिका से ठगी, फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर लोन लिया गया। बता दें 2.5 करोड़ जमीन को 12 एकड़ दिखाया गया और माफ कीजिएगा 2.5 एकड़ जमीन को 12 एकड़ दिखाया गया और 12 एकड़ पर 22 लाख का लोन लिया गया। फर्जी वाला करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बिर्रा थाना क्षेत्र के देवरानी गांव का यह पूरा मामला है और अब ये जो गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में पूछताछ भी जारी है। तो फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। इसके द्वारा 2.5 एकड़ जमीन को 12 एकड़ का दिखाया गया और 12 एकड़ पर 22 लाख का लोन लिया गया। फर्जीवाड़ा करने वाला यह आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ जारी है कि आखिर किस किस से ये अब तक फर्जीवाड़ा कर चुका है और कौन कौन से मामलों में संलिप्त ये है। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रायपुर